पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ऑफिशियल अपडेट आ चुका है जो कि है हमारा 2.0.4। और इस सेम टाइप का अपडेट अलग अलग कंट्री में भी गया है, चाहे वो ग्लोबल का हो या फिर ताइवान का हो और या फिर इंडिया का हो। तो हर एक कंट्री की यूजर्स को जो सिमिलर टाइम पे ये अपडेट देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। और इस अपडेट में क्या कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। लेकिन इतने गर्मी के टाइम पे ये अपडेट आया है तो क्या आपके चार्जिंग को स्लो करता है, परफॉर्मेंस को डाउन करता है या फिर बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती है? नहीं, वो सारी जानकारी मिलेगी, बस कंप्लीट आपको लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। सिंगल वर्ड में कहा जाए कि अपडेट कैसा है तो मैं कहूँ भाई इंप्रेस्ड हूँ मैं इस अपडेट से लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस हुई है जो कि आप भी इसे रेगुलर यूज करोगे तो पता चलेगा आपको, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो अनलॉकिंग एनिमेशन जो कि पहले अपडेट में ही ठीक हो गया था, जो कि हाइपरवेस 2 का अपडेट था, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा रिफाइन देखने को मिला है अपडेट के मामले में। और इसका जो पोको लॉन्चर है इसके मामले में ये पहले से थोड़ा और बेटर फील करवाता है अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करते हो तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आता है। और इतना ही नहीं, बाकी अदर एनिमेशन में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कंट्रोल सेंटर वगैरह मोस्टली क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से आप फोन यूज नहीं कर रहे हो और अचानक से उठाते हो और इस तरीके से कुछ टास्क परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर आपको जिटर या लैग फील होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला। साथ साथ यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे हमारा ब्राइटनेस स्लाइडर का हो या वॉल्यूम का हो। और वॉल्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड टाइम के बाद अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो यहाँ पे अटकता हुआ या बाहर निकलता है, बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है कि ये चीज़ यहाँ पे मुझे एक बार भी नोटिस नहीं हुआ, जो कि एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप लैंडस्केप यूज करते हो, कोई भी काम करते हो, ऐसे में अगर आप कंट्रोल सेंटर को ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है ना ये और भी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेट करते हुए सामने आ रहा है, तो इस अपडेट के अंदर रियली में एनिमेशन तो यार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम किया गया है। आप देख सकते हो एक बार में भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा एनिमेशन के मामले में, किस तरीके से ये काम करता है। और इसके अलावा एक दो जगह और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी एनिमेशन से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसे अगर मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ ना, तो ओपन होने के बाद एक हल्का सा लास्ट में एनिमेशन करता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक पूरा एनिमेशन क्यूब आता है और एक लास्ट में हल्का सा स्लो एनिमेशन आपको दिखाई देता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इसे अच्छा बनाता है। और ये रियली में कह सकते हैं हम कि पोको अपने ओएस के ऊपर काफ़ी सही काम कर रहा है, Xiaomi काफ़ी सही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन रियली में इम्प्रूव होते जा रहे हैं डे बाई डे। इसके अलावा बाकी चीज़ों की बात करें तो ये जो अपडेट है 2.0.4, इसमें आपको देखने को मिल जाता है 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और एंड्रॉयड 15 है, जो कि इंडिया वाला अपडेट है। आप ग्लोबल वाला यूज कर रहे हो या फिर ताइवान वगैरह पर भी, तो वहाँ पर भी आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। और ये पब्लिक रिलीज हो गया है, बट इसका जो साइज है ओनली 40 MB के आसपास का है, जो कि 37 के आसपास का है, जिसमें वही सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई मिलती है, आपका बस सिक्योरिटी अपडेट हुआ है और यहाँ पे इंक्रीज किया गया सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह को। तो बस यही एक लाइन है, बाकी ये सारी चीज़ें एंड्रॉइड 15 के बाद ऐड हो गई है, तो इसे इग्नोर करना, ये हर अपडेट में आपको नजर आएगा। बट ये है छोटा सा चेंज लॉग वगैरह, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आता। लेकिन इसके अलावा आपका जो पोको लॉन्चर है अपडेट हुआ है और इसमें एक छोटा सा चेंज मुझे नज़र आया है, वो है -1 स्क्रीन के अंदर, लो भाई गायब हो गया जो था, लेकिन अभी अपडेट के बाद में भी ये रिमूव हो गया है। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट पे सेट कर रखा था तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिला था, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने उसका फोटो क्लिक कर लिया था यानी स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो किधर गया हमारा? हाँ, ये रहा, टर्न ऑफ -1 स्क्रीन। इस तरीके से ये अबाउट पेज देखने को मिला था, जो कि अभी के टाइम पे फिर से ये वापस से ऐसा ही हो चुका है जैसा कि आप पहले नोटिस करते थे। तो ये चीज़ आप मुझे कन्फर्म करके बताना कि क्या आपको भी ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला था या नहीं और बाद में चला गया। देखो यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सेटिंग हमारा ओपन होगा, जो कि इसका पूरा UI वापस है जो सिंपल हो गया है। तो ये चीज़ एक डिफरेंट देखने को मुझे मिला था। अनदर यहाँ पे जो लेआउट है इसके अंदर स्टिल अभी यही लुक देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट टाइम भी था, क्योंकि बाकी अदर पोको डिवाइसेज में आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है 4x5 4x6 समथिंग करके, जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो लुक देखने को मिलता है। तो ये अभी स्टिल सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वहीं पर हम बात करें पोको लॉन्चर के अपडेट वर्जन की, क्या हमें यहाँ पे लॉन्चर में देखने को मिलता है वर्जन वगैरह, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम अपना पोको और ये आ गया, और ये हमारा वर्जन 5.39.31.10933-something चला हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये है इसका बाय डिफॉल्ट अपडेटेड वर्जन पोको लॉन्चर का। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे सिस्टम के ऐप के अपडेट देखने को मिले थे, जो कि मैं कहूँगा कि आप भी कर लेना, जो कि आपको
काफ़ी ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे अभी तक वन जेन कहीं गूगल का अपडेट देखने को मिला, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, तो आप देख लेना कि क्या यहाँ पे आपको अपडेट मिलता है या फिर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे भी अपडेट आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे अपडेट मुझे देखने को मिले थे जब मैंने जो यहाँ पे इसे अपडेट किया, तो इतने सारे अपडेट मुझे देखने को मिले, जो कि थीम का है, फाइल मैनेजर का है, म्यूजिक का है, गैलरी का, सिक्योरिटी वगैरह का, तो ये सारे अपडेट आए हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें आपको बदली हुई फील होगी। लेकिन वहीं पर गैलरी की बात करें ना, तो गैलरी का कुछ नया अपडेट आया था हाइपर 3.0 का, जिसका वीडियो मैंने अलग से स्पेशल दे दिया, जहाँ पे एडिटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें की गई है, तो वो गैलरी आप यहाँ पे भी इंस्टॉल करके अपडेट करके यूज कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ज़्यादा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, तभी यहाँ पे सब कुछ सिमिलर ही आपको जो नज़र आता है। और डिवाइस अगर फ्रेम की बात करें तो स्टिल अभी तक ऐड नहीं हुआ स्क्रीनशॉट वाला, लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि गेमिंग के अंदर यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस का एक नया सेटिंग अनलॉक हुआ है। मे बी ये पहले से भी होगा या नहीं, ये कन्फर्म आप करना है, क्योंकि मैं अक्सर जो बूटर अनलॉक है तो रोम वगैरह रिव्यू करता रहता हूँ, तो दिमाग से निकल जाता है कि स्टॉक रोम में ये चीज़ थी कि नहीं थी, तो ये कन्फर्म करना। मुझे लगता है कि इस अपडेट के बाद ये एक्सट्रीम प्लस आया है, पहले सिर्फ एक्सट्रीम ही था या फिर पहले से ही था, ये आप एक बार जरूर मुझे बताना। ओके, बाकी यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये पैकेज अपडेट जो है काफ़ी स्मॉल था, लेकिन यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट आया है एनिमेशन से रिलेटेड, वो रियली में मैं कहूँ कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ है जो यहाँ पे करके दी गई है, जो कि पोको के टीम से है, और इसलिए मैं भाई थैंक्स कहना चाहूँगा। बाकी यहाँ पे आपको वही सारे प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, फुल चार्जिंग का, स्मार्ट वगैरह का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कैमरा वगैरह हमारा सेम UI देखने को मिलता है, जो कि आप मैनुअली अपडेट कर सकते हो अगर अपडेट आता है तो। बाकी सब कुछ यहाँ पे वही निकल के आता है। लेकिन अब रही बात परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट कैसा है और बाकी अगर छोटे मोटे चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि अपडेट करने के बाद मैंने स्टैंड बाई चेक किया, तो आप देखो ये 45 मॉर्निंग में आता है, 41 जो कि फुल नाइट में 4% का बैटरी ड्रॉप गया है, और स्टैंड बाई टाइमिंग हमारा 9:42 मिनट का है, तो यहाँ पे ड्रेन के मामले में कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है। मे बी वन डे पहले ही मैंने अपडेट किया है, तो एक दो दिनों में इसमें इंप्रूवमेंट आए, बट स्टिल यहाँ पे फर्स्ट टेस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डाउन तो मैं कहूँगा बैटरी के मामले में। तो इसके बारे में आप अपना ओपिनियन शेयर करना अगर आपने अपडेट कर लिया है तो, कि आपको कैसा मिल रहा है बैकअप पिछले वाले अपडेट के कंपैरिजन में। ऐसे भी गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है, तो जब भी फोन वार्म होता है, हीट होता है, बैटरी ड्रॉप करता है, तो मे बी उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अपडेट के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा। इसके साथ यहाँ पे जो CPU टोटल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने गेम ड्रॉप का बूस्ट मोड ऑन किया, फिर भी यहाँ पे थ्रॉटल करके गया, नॉर्मल मोड ऑन किया गेम ड्रॉप का, फिर भी यहाँ पे भाई उसी तरीके से चीज़ें देखने को मिली। और ये सारी टेस्टिंग हमारी थी वो है सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फैन के अंदर, और टाइमिंग था हमारा 6:42 यानी मॉर्निंग का 7 बजे, उसमें थोड़ा मौसम नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने इसे भाई कूल प्रोवाइड किया, कूलिंग दिया, और जब मैंने दोबारा चेक किया तो नॉर्मल यहाँ पे रिजल्ट आया 4,04,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 3,31,091 का परसेंटेज, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन कब, जब मैं इन्वायरमेंट इसको कूल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे आप AC रूम में यूज कर रहे हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा, या कूलर के सामने ठंडी हवा आ रही है तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, या फिर कोई फैन वैन अटैच कर रखे हो फोन के साथ तब, जबकि नॉर्मल टेस्टिंग पे आपको रिजल्ट यहाँ पे बेकार मिलेगा, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है, तो ये शिकायत मैं नहीं करना चाहूँगा अभी के टाइम पे। वहीं पे हमारा जो Antutu स्कोर है वो तो भाई यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, और मैक्सिमम टाइम अच्छा ही आता है। लेकिन Geekbench की बात करें तो यहाँ पे शिकायत है, क्योंकि सिंगल काफ़ी ज़्यादा डाउन आया, जबकि मल्टी में कहूँ ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया तो यहाँ पे दोनों डाउन आया है, और फिर थर्ड टाइम चेक किया जहाँ पे मैंने इसे गेम ट्रो में ऐड किया, परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया ताकि कुछ बेटर रिजल्ट मिले, तो यहाँ पे मल्टी टो इम्प्रूव आया, लेकिन सिंगल में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। तो Geekbench अभी स्टिल मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगा है, जो कि मे बी गर्मी की वजह से भी यहाँ पे हो सकता है। तो टोटल यही सारी चीज़ें इस अपडेट में मुझे नोटिस हुई है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आप मुझे बताना कि इसके अलावा क्या आपको और कुछ नया चीज़ देखने को मिला या नहीं, ये चीज़ें कन्फर्म जरूर करना। और अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, थोड़ा सा वेट कर लो, आपको जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअल ट्राई करना चाहते हो तो डाउनलोड लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर सकते हो। फुल पैकेज और OTA दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट से रिलेटेड, और इस अपडेट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, यार अपडेट काफ़ी सही है, Xiaomi Poco ने भाई कमाल कर दिया है एनिमेशन वगैरह के मामले में। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर देना यहाँ तक वॉच किया तो, ताकि ऐसी अपडेट का इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर है जो मिलता रहे। ओके, और ये UI चेंज हो गया भाई, पहले ऐसा UI नहीं था आई थिंक क्या कर सकते हैं, चलो मिलते हैं।